अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल की बेहद ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप इफ्तारी में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके सभी घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे पर। तो आज की जो रेसिपी है उसमें हम ऑयल बहुत कम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें अब हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो जैसे कि ये गाजर मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसको मैंने छोटा छोटा इस तरह से लंबाई में काट लिया है। तो गाजर को हमें बस 2 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद हम इसमें कुछ सब्जियां और ऐड करेंगे। तो 2 मिनट तक मैंने गाजर को अच्छे से पका लिया है। तो अब हम इसमें ये शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसको भी मैंने लंबाई में इस तरह से कट कर लिया है। तो ये एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च है जिसको मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसे भी हमें बस 2 मिनट के लिए पकाना है। तो गाजर को मैंने पहले इसलिए ऐड किया है क्योंकि गाजर जो है वो पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो चलिए, शिमला मिर्च को भी मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 कप मैंने बंद गोभी ली है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे भी बस हमें 2 मिनट के लिए पकाना है। तो इन सारी सब्जियों को हमें पकाकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा क्रंच हमें बाकी रखना है। तो बस थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शेडेड चिकन, जो कि मैंने 1 कप लिया है। तो चिकन को मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था और फिर मैंने इसे इस तरह से शेडेड कर लिया। तो ये सारा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हमें इसे सारी सब्जियों में मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक हम इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। और अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है सिरका, जो कि ये भी मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे अब हम रख देंगे साइड में और अब हम इसके रोल तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने ले ली है 1 शीट रोल की। और इसके बाद देखिए, ये मैंने 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा मैदा ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी लई तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए, ये रेडी है। तो इसे हम साइड में कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो शीट है इसमें हम फिलिंग भर लेंगे स्प्रिंग रोल की, जो अभी हमने रेडी की थी। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें स्टफिंग की है। आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच की स्टफिंग भी इसमें कर सकते हैं। स्टफिंग हमने कर ली है, इसके सामने वाले साइड पर हम इस तरह से लई लगा देंगे। और इसके बाद हम इसके दूसरे किनारे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसकी दोनों साइड को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमारा 1 रोल बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें सारे रोल रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए, ये सारे रोल हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ये एक एक करके रोल डालते जाएंगे। तो जितने इसमें आ सकेंगे उतने हम डालेंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह हमारे रोल फ्राई हो चुके हैं। तो इसे अब हम निकाल लेंगे ऑयल से और इसी तरह से हमें बाकी के रोल भी फ्राई कर लेने हैं। तो ये लीजिए, स्प्रिंग रोल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके स्प्रिंग रोल कैसे बने हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।